नमस्कार विद्यार्थी मित्र। विद्यार्थी मित्र कैसे हैं आप सभी? मजे में तो है ना? बहुत अच्छे विद्यार्थी मित्र, आप सभी मजे में ही होने चाहिए। तो विद्यार्थी मित्र चलिए विषय हिंदी में इकाई नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र जो कि एक पत्र लेखन है वह पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लास में इकाई नंबर 3 जरा मुस्कुराइए पढ़ी थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जरा मुस्कुराइए एक चुटकुले थे, क्या थे? चुटकुले थे। चुटकुले तो हमें हंसाने के लिए होते। हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व होता है। मनुष्य हास्य के द्वारा ही अपने दुख भुला देता है और जीवन में उसे हास्य द्वारा ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में इकाई नंबर 3 जरा मुस्कुराइए चुटकुले दिए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्र हमने ऑनलाइन जूम क्लास में इस चुटकुलों की चर्चा की थी। अब आज हम इस वीडियो में एक एनिमेशन वीडियो द्वारा चुटकुले देखेंगे। आप सभी एनिमेशन वीडियो ध्यान से देखिएगा। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सोनू का सिर फट गया। यह कैसे हुआ? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जरा ऊंचा बोलो। माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मैं तो पढ़ने में ही इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। आप कहाँ जा रहे हो? मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ही, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। विद्यार्थी मित्र आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए अब हम इकाई नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले तो अब हम इस इकाई की चर्चा करें। तो यह इकाई एक पत्र लेखन है। क्या है? एक पत्र लेखन है जो एक मित्र ने दूसरे मित्र को यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है। एक बार फिर से देखिए, पुस्तक हमारे मित्र एक पत्र लेखन है। तो यहाँ पर एक मित्र ने, यानी कि मित्र का नाम है पूजन। तो पूजन ने अपने मित्र मनोज को पत्र लिखा है। पूजन ने अपने मित्र मनोज पत्र लिखा है। आज हम इस वीडियो में
पुस्तक हमारे मित्र यह पत्र लिखकर पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पत्रों का विशेष महत्व है, तो यह तो हमें पता है कि पत्रों का विशेष महत्व है। हम संदेश व्यवहार करने यानी कि संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पत्र लेखन का उपयोग करते हैं। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। तो पत्रों के माध्यम से ही हमारे जीवन में नयापन, ताजगी बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, पत्र लेखन को एक कला के रूप में लिया गया है। क्या कला? तो पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है। एतदेव पत्र लेखन कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। तो पत्र लेखन एक कला है, इसीलिए पत्र लेखन हर एक छात्र को आना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, हम अगर इस जमाने की बात करें 21वीं सदी की, तो आजकल तो संदेशा व्यवहार के यानी कि संदेश की आप ले करने के यहाँ से संदेशा वहाँ पहुँचाना, वहाँ से यहाँ, तो इसके बहुत सारे माध्यम है। आजकल हम देखेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इन सभी माध्यमों से, ईमेल, फैक्स, इन सभी माध्यमों से हम संदेश का व्यवहार कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं पत्र लेखन की कला भूल ना जाए हम, इसीलिए विद्यार्थियों को, छात्रों को पत्र लेखन करवाना आवश्यक है। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम हमारे पुस्तक में जो पत्र लेखन दिया गया है कि पुस्तक हमारे मित्र, क्या है पत्र लेखन का नाम? पुस्तक हमारे मित्र। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम इस पत्र को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक एनिमेशन वीडियो देखते हैं। आप सभी एनिमेशन वीडियो ध्यान से देखिएगा। 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी, मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी।
इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने एनिमेशन वीडियो देखा। आप सभी को वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा और साथ ही साथ आप सभी को यह पता भी चल गया होगा कि पूजन ने अपने मित्र मनोज को पत्र किस बारे में लिखा है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में सबसे पहले हमारा नाम, जो पता और दिनांक होता है वह कहाँ लिखा जाता है तो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी का ध्यान अपनी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। 195 उमिया नगर सोसाइटी मुद्रा जिला कच्छ दिनांक 4/8/2011। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो पता है कि पत्र लिखने वाले का जो पता है वह कहाँ लिखा जाता है तो वह यहाँ मनोज नमस्ते। प्रिय मनोज नमस्ते। तो अब हम पत्र लिख रहे हैं तो हम अपने मित्र को पत्र लिखे, माता जी को, पिताजी को, गुरु जी को, जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका एक संबोधन है वह यहाँ आएगा। यानी कि सबसे पहले ऊपर दाई ओर हमारा पता और दिनांक आएंगे, फिर उसके नीचे संबोधन आएगा, फिर हमें जो लिखना है यानी कि जो विषय हमें पत्र में जो लिखना है, विषय वस्तु जो मेन हमारा मुद्दा है, जो विषय है वह हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने हमारा पता दिनांक लिख लिया, फिर यहाँ पर संबोधन लिख लिया है कि जिसको हमने पत्र लिखा है, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य गुरु जी या प्रिय मित्र, प्रिय सखी, ऐसा हम संबोधन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिछले कई दिनों से
परंतु हमारे पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर पूजन्य मनोज से कहा कि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, मैं फ्री नहीं था। तो क्यों फ्री नहीं था, मेरे पास क्यों समय नहीं था? तो उसने यहाँ स्पष्ट किया है कि पिछले कई दिनों से हमारे पाठशाला में, यानी कि हमारे स्कूल में, वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियाँ हो रही थी और इसमें मैं सम्मिलित था। मैंने उन सभी प्रवृत्तियों में भाग लिया था। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र व मेरे भी मित्र। तो राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था अभियान के अंतर्गत? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र मेरे भी मित्र। तो वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यानी कि जो पुस्तक के मित्र है, जो पुस्तक पढ़ते हैं, वो हमारे यानी कि सभी मित्र है। और अगर हम भी यह कह सकते हैं कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, यानी कि जो पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, वह मेरा भी मित्र हो। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूजन्य मनोज को क्या कहा? तो पूजन्य मनोज से कहा कि मैं आज तुमको किताबों के महत्व के बारे में पत्र लिख रहा हूँ कि पुस्तकों का महत्व मनुष्य के जीवन में, पुस्तकों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में मैं आज तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। तो देखिए यहाँ पर पूजन ने कितना अच्छा कहा कि किताबें हम सभी की मित्र है। किताबें, पाठ्य पुस्तक, पुस्तक हम सभी की मित्र है और बहुत ही मूल्यवान है किताबें। किताबें पढ़ने से हमें नया नया ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? किताबें पढ़ने से हमें नया नया ज्ञान मिलता है और अच्छे बुरे का फर्क भी हमें किताबें पढ़ने से पता चलता है। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो पत्र दिया गया है उसमें पत्र किसने लिखा है? तो पत्र पूजन ने लिखा है। किसको पत्र लिखा गया है? तो मनोज को, यानी कि पूजन और मनोज दोनों मित्र है। पूजन ने मनोज को पत्र लिखा है। तो देखिए एक बार फिर से, अगर हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले दाईं ओर क्या आएगा? यहाँ पर दाईं ओर पर हमारा पता और दिनांक आएंगे। फिर जिसको हम पत्र लिखने वाले हैं उसके लिए हम संबोधन करेंगे। और फिर यहाँ पर जो हम पत्र की विषय वस्तु है, हम जो कहना चाहते हैं, जिसके लिए हमने पत्र लिखा है, वो सारी बातें यहाँ पर आएगी। और फिर अंत में यहाँ पर जिसने पत्र लिखा है उस, दिया गया है पता और दिनांक और फिर लिखा है प्रिय मित्र अथवा प्रिय मनोज नमस्ते। तो पूजन का सबसे पहले ऊपर यहाँ पर पूजन का पता और दिनांक लिखा गया है, फिर यहाँ पर मनोज के लिए संबोधन है, और फिर यहाँ जो विषय वस्तु है पूजन मनोज से जो कहना चाहता है उसके किसके बारे में पत्र लिखा है। तो पूजन ने मनोज को पुस्तकों के यानी कि किताबों के महत्व के बारे में समझाते हुए पत्र लिखा है। तो वह सारी बातें यहाँ पर है और फिर यहाँ पूजन का नाम यानी कि तुम्हारा मित्र पूजन। तो विद्यार्थी मित्र, हमने देखा कि पूजन ने मनोज को पत्र लिखा है। तो सबसे पहले पूजन ने मनोज से कहा कि तुम, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप सभी भी वहाँ सकुशल होंगे, और मैं कई दिनों से तुम्हें पत्र रहा था लेकिन मेरे पास समय नहीं था, यानी कि मैं अपनी पाठशाला में पाठशाला के कामों में, पाठशाला में जो प्रवृत्तियाँ चल
भाग लिया था, उसमें मैं सम्मिलित था, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें पत्र नहीं लिख सकता, मुझे पत्र लिखने का समय नहीं मिला। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, तो आज मैं तुम्हें पुस्तकों के महत्व के बारे में समझाता हूँ कि पुस्तक का महत्व हमारे जीवन में क्या है, किताबें मनुष्य के जीवन में क्या मायने रखती है, वे आज मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो मनोज ने कुजन ने मनोज से कहा कि किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार ने वांचे गुजरात अभियान भी शुरू किया। और इस वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। और आगे कुजन लिखता है कि पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुस्तक के पढ़ने से ही हमें नया नया ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे मन में जो अंधकार भरा है, अंधकार रूपी अज्ञान भरा है, वह पुस्तक ही दूर करती है। और पुस्तक के पढ़ने से ही हमें भले और बुरे का फर्क पता चलता है। तो इस प्रकार पूजन मनोज से पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखता है। विद्यार्थी मित्र, हमने देखा कि अब पत्र लेखन क्या होता है और पत्र लेखन किस तरह किया जाता है, उसका जो पहली ढांचा है वह क्या होता है, वह हमने आज इस वीडियो में समझा। विद्यार्थी मित्र, आज हम इस वीडियो में इतनी ही इकाई पढ़ेंगे, आगे की जो इकाई यानी कि आगे का जो पत्र बाकी रहा वह हम ऑनलाइन जूम क्लास में पढ़ेंगे। अस्तु।